हेलो स्टूडेंट्स आज जो थर्ड अक्टूबर को जे एडवांस 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करा रहा हूँ होप है आप सभी लोग के अच्छे हुए होंगे सही हुए होंगे क्लियर तो अपन इनको चेक भी कर लेंगे यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आ, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है क्लियर तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है बाकी ऑलमोस्ट जो बच्चों ने जैसा बताया है वैसा ही सारे क्वेश्चन एज इट इज है ठीक है तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू में वेक्टर थ्री डी का क्वेश्चन था इफ यू वी डब्ल्यू आर द वेक्टर्स वेर यू एंड वी आर यूनिट वैक्टर्स विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड यू डॉट डब्ल्यू एंड वी डॉट डब्ल्यू वन दे रखा है एंड डब्ल्यू डॉट डब्लू दैट इज इक्वल टू फोर क्लियर इफ वॉल्यूम ऑफ पेलो वॉल्यूम ऑफ पेलोलो पाइप दिया हुआ है तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ पेलोलो पाइप क्या होता है बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू एंड ये हमें दे रखा है एंड दिस इज इक्वल टू रूट टू पहली इंफॉर्मेशन ये दे रखी है देन हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री यू प्लस फाइव वी ठीक है तो सबसे पहले यहां से हम लोग लेग्रांजेज आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया यू वी डब्ल्यू बॉक्स का होल स्क्वायर और हम जानते हैं यू वी डब्ल्यू बॉक्स का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज U डॉट यू है ना वेक्टर्स लगा लेना यहाँ पर U डॉट वी एंड U डॉट डब्ल्यू इसी तरह आपके पास V डॉट यू इसी तरह V डॉट वी इसी तरह V डॉट डब्लू इसी तरह W डॉट यू डब्लू डॉट वी एंड डब्ल्यू डॉट डब्लू है ना इन सब पर वेक्टर्स क्वांटिटी अपन लोग लगा लेते हैं

नाव वी डॉट यू वी डू डॉट यू में फाइंड करना है दैट कैन बी रिटर्न यू डॉट वी नाउ दैट इज मैग्नीट ऑफ वी स्क्वायर दैट इज यूनिट वैक्टर अगेन विच इज इक्वल टू वन नाव यू डॉट डब्ल्यू क्लियर तो वी डॉट डब्ल्यू दैट इज अगेन वन अगेन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर दिस क्वान्टिटी विच इज़ वन दिस क्वान्टिटी दैट इज ऑल्सो वन एंड दिस क्वान्टिटी दैट इज मैगनी ट्यूट ऑफ डब्ल्यू विच इज इक्वल टू फोर तो यहाँ पर अब जाएगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू फोर एंड इट इज गिवन विच इज इक्वल टू टू क्लियर अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वन दैट इज फोर माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री माइनस यू डॉट वी यू डॉट वी दट इज फोर टाइम्स ऑफ यू वी माइनस वन फोर टाइम्स ऑफ यू डॉट वी माइनस वन एंड प्लस दट इज वन दिस इज यू डॉट वी माइनस वन एंड इट इज गिवन दैट इज इक्वल टू ट्वाइस क्लियर अब यहाँ से अपन इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ से थ्री हो जाएगा यहाँ से माइनस वन हो जाएगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा सो so फाइनली मेरे पास बच जाएगा माइनस ऑफ यू डॉट वी फोर टाइम्स ऑफ यू डॉट वी माइनस वन प्लस यू डॉट वी विच इज इक्वल टू जीरो ओवरऑल मेरे पास यहां से यू डॉट वी कॉमन आ जाएगा अब यहां से बच गया मेरे पास माइनस के फोर टाइम्स ऑफ यू डॉट वी कॉमन ले लिया तो माइनस के फोर टाइम्स ऑफ यू डॉट वी ठीक है और यहां से मेरे पास बच जाएगा माइनस फोर को अपन ने ये ले लिया है ना यहाँ से यू डॉट वी कॉमन लेने के बाद और ये मेरे पास बच गया माइनस प्लस वन एंड प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो सो फाइनली यू डॉट वी दैट इज इक्वल टू वन बाई टू फिलहाल मेरे पास ये इंफॉर्मेशन यहां से मिली है ठीक है अब हमसे पूछा था इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री यू प्लस फाइव वी तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री यू प्लस फाइव वी तो मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री यू प्लस फाइव वी कैन बी रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज नाइन मैग्नीट्यूड ऑफ यू स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव मैग्नीट्यूट ऑफ वी स्क्वायर ट्वेंटी फाइव है प्लस थर्टी यू डॉट वी

बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू दैट इज लेकर जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है इसमें भी फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन सिंपल मॉड्यस इक्वेशन का बहुत आसान सा क्वेश्चन है आई थिंक सभी लोग अच्छे से किया होगा सभी लोगों ने देखो यहां पर मॉड्युलंक्शन हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो यहां पर दो केस बना सकते हैं हम x lies from माइनस वन टू वन एंड x lies from minus infinity to minus one, union one to infinite. तो मैंने फर्स्ट केस यहां पर बनाया कि when x belongs to minus one to one. Clear? जब x की वैल्यू माइनस वन से वन में है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो मॉड माइनस से खुल जाएगा इन दैट केस इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वन और उसके बाद प्लस एक्स एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां सेक्वायर प्लस एक्स एंड माइनस फाइव विच इज इक्वल टू जीरो नाउ दिस इज द इक्वेशन अब इस इक्वेशन के सॉल्व करने तो क्वाड्रेटिक फॉर्मुला से इसके रूट्स निकाल रहे हैं सो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो दो सोल्यूशन यहाँ से आ गए बट केस फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस वन टू वन तो माइनस वन टू वन तो माइनस वन प्लस रूट वन फोर्टी वन क्लियर अपॉन फोर्टीन है तो यस दिस क्वांटिटी लाइज इन माइनस वन टू वन

तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा इस केस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एंड प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो ये सिचुएशन अपने पास बन गए फाइनली यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री एंड देन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ये दो पार्ट अपने पास यहां से बन अगेन अपॉन टू तो वन प्लस रूट थर्टीन अपॉन टू यस विच इज ऑल्सो लाइज इन दिस पार्ट एंड वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू दैट इज ऑल्सो लाइज इन दिस पार्ट सो टू सोल्यूशन फ्रॉम दिस पार्ट सो ओवरऑल इस इक्वेशन के हमारे पास फोर सोल्यूशन हो जाएंगे सो नंबर ऑफ सोल्यूशन आर फोर क्लियर तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था आई थिंक सभी लोगों ने अच्छे से किया ही होगा इसको अपन क्लासेज में इसको बहुत डिटेल से पढ़ते हैं शुरू पहले दिन से अंत तक अपन इसको पढ़ते रहते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अब ये वन और मोर देन वन टाइप में क्वेश्चंस थे ठीक है ना मेट्रिसेज uh, का क्वेश्चन है मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स एफ मैट्रिक्स दे रखा है एंड क्यू इज थ्री बाई थ्री नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हमें चार ऑप्शन चेक करना है क्लियर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि ऑप्शन वाइज आया है तो हमें एक एक करके सारा ऑप्शन यहां पर चेक करना पड़ेगा ठीक है तो देखते हैं एक एक करके तो सबसे पहले अपन को दे रखा है कि पी ई एफ तो ये अपन को चेक करना है ए ऑप्शन कि आधर एफ इज इक्वल टू पीई पी और नॉट तो चाहे तो मल्टीप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं इसको PEP पी -E को तो ये पी मैंने लिख दिया वरना इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है वैसे तो अपन क्लासेस में देखते हैं वो भी मैं हल्का सा यहां पर आपको बताऊंगा तो मैं पहले इसका आर एच एस पार्ट दिखा रहा हूं आपको PEP पी -E ठीक है तो ये मेरे पास हो गया जीरो वन जीरो पी आपका हो गया e, e अपने पास है वन टू थ्री देन टू थ्री फोर टीन 18 ये आपका PE अगेन पीई पी अगेन P लिख दिया मैंने वन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो अपन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखना है तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक कंसेप्ट पहले मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ फिर वो कंसेप्ट अपन जानते हैं वैसे तो तो वो अपन देख लेंगे ये एज इट इज लिख दिया मैंने वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज वन अगले पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ये जीरो दैट इज थ्री अगले पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर टू आ जाएगा क्लियर इसी तरह यहां पर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा टू अगेन ये जीरो ये जीरो फिर फोर आ जाएगा मेरे पास इसी तरह यहां पर ये यह जीरो और ये फिर आपके पास थ्री आ जाएगा ठीक है और लास्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आ जाएगा इस तरह से एट देन जीरो देन जीरो पार्ट में मेरे पास आ जाएगा थर्टीन अब क्या कंसेप्ट मैं समझा देता हूं अगर कभी इस तरह की मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है जिसमें आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स में वन इधर उधर हो रखा है तो ये वाला एक तरीके से रो नीचे था नीचे वाला रो ऊपर था तो जब आप इस किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ट्रांसपोज ठीक है तो ट्रांसपोज वो अलग चीज है ट्रांसफॉर्मेशन तो ये कॉलम और ये कॉलम एक्चुअल में इंटरचेंज हो जाते हैं यहां पर ध्यान से देखो आप थ्री फोर एटीन वाला यहां आ गया और इसी तरह टू थ्री थर्टीन वाला कॉलम यहां पर आ गया तो अगर आपने इस तरह की मैट्रिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो इस तरह से ये अगर प्रोडक्ट करोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अब सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इस बार ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पोस्ट थी और इस बार ये वाली मैट्रिक्स अब प्री है तो पोस्ट वाले में अगर ऐसी सिचुएशन है तो कॉलम्स इंटरचेंज होते और प्री वाले में ऐसी सिचुएशन है तो रोज इंटरचेंज होती है तो ये दोनों रो इंटरचेंज हो जाएगी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा दोनों रो इंटरचेंज हो जाएगी एट एटीन थर्टीन क्लियर तो ये मेरे पास आ जाएगा और टू फोर थ्री दिस इज ई P, now this is टू फोर थ्री yes which is equal to F, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं this is equal to F, तो ये पहला वाला part option का उसका पहला part सही है Now P square आई है क्या तो पी स्क्वायर अगेन अपन यहां पर देख रहे हैं कि वो I के इक्वल है क्या तो ये P वापस यहीं से लिख रहा हूं मैं डबल नहीं लिख रहा हूँ वापस P लिख रहा हूँ वन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही सिचुएशन है यहां पर कि ये पोस्ट मानो या जैसे मानो दोनों इंटरचेंज हो जाएगी यस देन इट बिकम्स आई तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू आई तो इसका सेकंड पार्ट भी आपका सही है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ना अब यहां पर देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू होल क्यूब इज ग्रेटर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू स्क्वायर है क्या

इसमें से इसको माइनस कर दिया थ्री टाइम्स करके तो यहाँ फोर आ जाएगा इसमें से इसको माइनस कर दिया सॉरी यहाँ टू आ जाएगा इसमें से इसको माइनस कर दिया तो यहाँ सिक्स आ जाएगा यहां से मैंने टू कॉमन ले लिया देन वन थ्री, वन थ्री, दो रो यहां पर सेम है दोन में सो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज एक्चुअली जीरो सो दिस पार्ट इज जीरो ग्रेटर देन जीरो दिस इज फॉल्स रिजल्ट सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन तो बी वाला यहाँ पर आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है नाउ सी ऑप्शन देखते हैं ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट इक्वल है क्या ये हमें चेक करना पड़ेगा बस यहाँ इश्यू ये आ रहा था कि क्यू मैट्रिक्स हमें गिवन नहीं है उसके बाद कैसे ये चीजें फाइंड करें जैसे ऊपर वाले में भी यही चक्कर था तो बट यहाँ से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही थी जिससे ऑप्शन हमारा चेक हो रहा था ठीक है अब इस वाले ऑप्शन को देखते हैं अपन अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ठीक है Uh, इसको देखो ऐसे कर लो यहां पर हमारे पास पहला वाला रिजल्ट आ गया था कि F इज एक्चुअली इक्वल टू पी पी ठीक है तो मैंने P का प्री मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर तो 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 ये हो गया P P I यहां पर मेरे पास पी एफ है दिख रहा है ऑप्शन सभी को तो इस पी एफ की जगह मैंने ईपी लिख दिया तो इस सी ऑप्शन का जो एल एच एस पार्ट है वो मेरे पास हो गया क्यू प्लस पी एफ पी एफ की जगह मैंने लिख दिया ई e, पी और ये आपका Q इनवर्स आ गया और उसका डिटरमिनेंट अगेन यहां से आपका जो E वाला पार्ट है वो कॉमन ले लेंगे अपन E मैट्रिक्स यहाँ से और डिटरमिनेंट है तो ये फाइनली मेरे पास हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ E प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ Q प्लस पी क्यू इनवर्स एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो सो दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो यहां पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ई अलग हो जाएगा दैट इज अगेन जीरो यहां पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ पी, पी एफ की जगह मैं लिख सकता हूं अगेन ई e, सो डिटर्मिनेंट so, ऑफ ई वाला पार्ट यहां पर भी अलग हो जाएगा सो फाइनली दिस पार्ट इज आल्सो जीरो दिस पार्ट इज आल्सो जीरो अल्टीमेटली आर इज ऑल्सो जीरो सो फाइनली सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन क्लियर चलिए अब देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एफ प्लस पी इनवर्स ई इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ई प्लस पी इन एफ पी तो फर्स्ट मेथड तो इसका ये हो सकता है कि आप सारा कुछ मैट्रिक्स का निकाले पी इनवर्स फाइंड करें फिर आप मल्टीप्लाई करें सिमिलरली ये जो भी कह रखा है दूसरा तरीका यहाँ पर ये यह हो सकता है कि इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं अपन ठीक है तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ट्रेस की बात चल रही है एक तरीके से तो यहां पर बात चल रही है एफ प्लस पी इनवर्स एफ प्लस पी इनवर्स ई पी दैट इज इक्वल टू ई प्लस पी इनवर्स एफ पी ई प्लस पी इनवर्स एफ पी ये बात चल रही क्लियर चलिए मैं ई e को उधर ले गया इसको इधर इनके डायगोनल एलिमेंट्स की बात चल रही है ठीक है तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि चलो देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या अब मैं इसको इधर ला रहा हूं ई e को उधर ले जा रहा हूं तो मेरे पास फाइनली इधर रिजल्ट आ गया f minus e दैट इज इक्वल टू ये पार्ट इधर आ रहा है तो ये हो गया आपका p इनवर्स fp p इनवर्स ep तो p इनवर्स तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया p इनवर्स प्री मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहां से तो फाइनली मेरे पास बच जाएगा f f e और ये अपने पास p बच जाएगा ठीक है अब मैंने क्या किया इसमें p का प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो p का प्री मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बच गया p that is f minus e, that is equal to p दैट दैट इज इज f minus e इक्वल टू पी दाइनस एफ माइनस ई इंटू पी अब एक तरीके से a मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स ये b मैट्रिक्स इंटू ए मेट्रिक्स और हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगेल एलिमेंट्स इट मीन यस इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू समल एलिमेंट ऑफ दिस ऑप्शन की सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू समल एलिमेंट ऑफ दिस यस इट इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दिस ए सी डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बट टफ तो इसको नहीं कहेंगे लेंदी अपन कह सकते हैं क्लियर है आ गया होगा समझ में चलिए नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी आपका वन और मोर देन वन का है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू आर आर द साइड ऑपोजिट टू एंगल्स एंड ऐसे चार ऑप्शन दे रखे हैं अगेन ये मोर देन वन क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का अपन को चेक करना पड़ेगा ऑप्शन यहां पर है ना एसओटी का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कॉस पी इज ग्रेटर इक्वल देन दिस तो ये कोसाइन रूल लगाते हैं अपन यहाँ पर ठीक है तो कोसाइन रूल में कॉस पी टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर टू क्यू आर ठीक है अब अगर मैं या इनको अलग अलग कर लीजिए तो यहां पर मैंने इसको अलग अलग कर लिया क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर टू क्यू आर माइनस का पी स्क्वायर ओवर टू क्यू आर अब क्यू ग्रेटर इक्वल देन जी एम तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन ग्रेटर इक्वल देन रूट ओवर ऑफ क्यू आर दैट इज क्यू आर सो दिस क्वांटिटी इज़ ऑलवेज क्यू आर को इधर नीचे ले आइए सो क्यू स्क्न सो दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन माइनस पी पर पहले ऑप्शन में यही लिखा है कि दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन वन माइनस पी यस इट इज करेक्ट ऑप्शन नाउ बी ऑप्शन भी आइए क्यू आर पी और साइन क्यू साइन आर साइन पी लाना है तो साइन रूल में हम लोग जानते हैं ऐसा रिजल्ट होता है सो क्यू कैन बी रिटर्न टू आर साइन क्यू आर कैन बी रिटर्न टू आर साइन आर एंड पी कैन बी रिटर्न टू आर साइन पी कू आर टू आर टू आर तो कैंसिल हो जाएगा फाइनली बी ऑप्शन में ये आपका ए ऑप्शन था अब हम बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में मेरे पास हो गया साइन क्यू प्लस साइन आर अपॉन साइन पी अगेन साइन क्यू साइन आर में मैंने ए एम इज ग्रेटर इक्वल देन जी एम लगा दिया सो दिस प्लस दिस बाय टू इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन रूट ओवर ऑफ दिस सो वी कैन से दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन टू टाइम्स ऑफ साइन क्यू इंटू साइन आर और डिवाइडेड बाई साइन पी ऑलरेडी हमारे पास है ही सही सो दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट साइन क्यू साइन आर ओवर साइन पी बट यहां इक्वलिटी नहीं है तो so, इक्वलिटी भी होल्ड हो सकती है यहां पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है ऐसा कोई खास इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं दिया सो दिस ऑप्शन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट सो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा थर्ड ऑप्शन देखते हैं कॉस क्यू ग्रेटर देन पी आर है या कॉस आर ग्रेटर देन पी बाई क्यू है ठीक है तो यहां पर आप चाहें तो प्रोजेक्शन रूल अप्लाई कर सकते हैं तो प्रोजेक्शन रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर तो हम जानते हैं कि P इज एक्चुअली इक्वल टू cos R प्लस आर कॉस क्यू अब अगर यहां पर हम मानेंगे ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड है तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहेगी ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहेगी दैट इज इक्वल टू P सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू P सो वी कैन से कि R cos Q ट्राइंगल एक्यूट भी हो सकता है ऑप्टूज भी हो सकता है तो अगर एक्यूट रहा तो ये होगा ऑप्ट्यूज रहा तो फिर वो हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम कह नहीं सकते और या फिर अगेन इसमें यह भी लिखा है कि एंड कॉस आर इज ग्रेटर देन पी बाई क्यू तो अब अगर एक ऑप्ट्यूज है तो फिर दूसरा आपका ऑप्ट्यूज नहीं हो सकता फिर ये false हो जाएगा. So, ठीक है अब अपने पास लास्ट है. Uh, cos R is greater this part है क्या ये मैं चेक करना है ठीक है तो दोनों में से p प्लस क्यू डिनोमेटर में कॉमन है तो एल्सियम लेके मैंने इधर भेज दिया इसको तो डी ऑप्शन देखिए तो मेरे पास डी ऑप्शन में हो जाएगा uh, p कॉस आर प्लस क्यू कॉस आर ये लेफ्ट साइड में अपने पास हो गया फिलहाल एल्सियम लिया इज ग्रेटर इक्वल देन यहां से मेरे पास हो जाएगा पी कॉस पी माइनस आर कॉस पी और प्लस क्यू कॉस क्यू माइनस आर कॉस क्यू ये फाइनली मेरे पास रिजल्ट यहां से

p cos p plus q cos q yes it is true statement because cos p is always less than or equal to 1 cos q is always less than or equal to 1 so this plus this is always greater or equal than p is greater than p cos p q is greater or equal than q cos q so overall p plus q is greater or equal than p cos p plus q cos q so d option is the करेक्ट ऑप्शन सो फाइनली इसमें ए एंड डी दोनों ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएंगे क्लियर तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर था जो हमने डिस्कस किया है जेई में जय एडवांस 2021 जो थर्ड अक्टूबर को अपना हुआ है आई uh, थिंक uh, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिला होगा इससे तो रिलायबल इंस्टीट्यूट की तरफ से सबको एडवांस में ऑल द बेस्ट है बाकी आप सब लोग इससे uh, सारा अपना क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच